हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है इस नए ब्लॉग में, जो कि इंडिया टू साउथ कोरिया जर्नी का पार्ट 3 है। अभी मैं कतर के हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट में बैठ चुका और फ्लाइट रेडी है टेक ऑफ करने के लिए। सो चलिए शुरू करते हैं कतर टू इंचियन साउथ कोरिया की ये जर्नी को। ये बहुत लंबी फ्लाइट होने वाली है आज की, जो कि तकरीबन 9 घंटे की फ़्लाइट है। ऐसा नहीं है कि ये मेरी पहली फ़्लाइट है इतनी लंबी, इससे पहले भी मैं लंबी लंबी फ़्लाइट ले चुका। एक बार मुंबई टू लंदन के लिए, जो कि 9 घंटे की फ़्लाइट थी, और एक बार तो न्यूयॉर्क टू न्यू दिल्ली की फ़्लाइट, जो कि 14 घंटे की फ़्लाइट थी। सो ये भी उन्हीं में से एक है। लेट्स स्टार्ट द ब्यूटीफुल जर्नी। वाह, बाहर का व्यू देख रहे हो आप, कितना सुंदर है। ये नीचे समुंदर, ऊपर खुला आसमान और फ्लाइट, वाव क्या कॉम्बिनेशन है। फाइनली 9 घंटे की फ्लाइट जर्नी पूरी होने के बाद में अभी टाइम आ गया है कोरिया के इंचियन एयरपोर्ट पे लैंड करने के लिए। तो देखते हैं कोरिया कैसा है। बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। वाव, तो एक तरफ ये कैसा दिखाई देता है इंचियन शहर कोरिया का, और दूसरी तरफ जब फ्लाइट लैंड हो रही है एयरपोर्ट पर, वाव क्या ब्यूटीफुल लग रहा है। तो फाइनली समुद्र के फिर से दर्शन हो गए। यही समुंदर जिसमें मैं रहता हूँ जहाज में, और ये फ्लाइट लैंड हो चुकी इंचियन शहर में। तो चलिए चलते हैं एयरपोर्ट पर। सो अभी कोरिया में सर्दी बहुत है, बाहर का टेम्परेचर -4 -5 है। तो सबसे पहले मैं जैकेट पहन लेता हूँ और उसके बाद बाहर निकलने की तैयारी करते हैं एयरपोर्ट पर। एयरपोर्ट पर सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करते हैं, देखते हैं एयरपोर्ट कैसा है और चेकआउट करते हैं। चेकआउट करने के बाद मैं डायरेक्ट होटल जाऊंगा। एक्चुअली अभी कोरोना का रूल है कि पहले 10 दिन क्वारंटाइन रहना पड़ेगा होटल में, फिर जहाज पे जा सकते हैं। तो इसलिए कंपनी जहाज पर जो डेट होती है उससे 10 दिन पहले हमें यहाँ पहुँचा देती है। तो ये है इंचियन एयरपोर्ट। वाह, लुकिंग सो ब्यूटीफुल। सो सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद एक्चुअली काफ़ी टाइम लगता है, 3 से 4 घंटे। इमिग्रेशन चेकआउट, कोविड, बहुत सारे पेपर वर्क करने के बाद में ये बस लेने आती है, जो कि अभी मुझे होटल में ले जाके छोड़ देगी। सो फाइनली मैं पहुंच गया होटल रूम में। एयरपोर्ट पर थोड़ी चेकआउट प्रोसेस लंबी है, एक्चुअली कोरोना काल में बहुत सारी गाइडलाइन का पालन करना पड़ता है। तो 3-4 घंटे की प्रोसेस के बाद में अभी मैं पहुंच गया होटल, जहां अभी मुझे आगे के 10 दिन के लिए क्वारंटाइन रहना है। पर अगर इतना अच्छा रूम मिले तो क्वारंटाइन रहने में प्रॉब्लम ही क्या है। तो ये एक ब्यूटीफुल सा रूम है, टीवी, कॉपी सेट, सोफा चेयर, एक सुंदर सा बेड, सब कुछ फैसिलिटीज़ है इस रूम में। और बाहर बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिर रही है, तो बहुत ही सुंदर व्यू भी देखने को मिल रहा है। सो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं फिर नए ब्लॉग में। सिप पर सिप कैसा होता है और सिप के बहुत सारे हिस्सों का टूर करवाऊंगा, बहुत सारी बातें बताऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि बहुत सारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सकें। सो धन्यवाद, बाय बाय।